दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे भारतीय ग्रंथों के अनुसार ऐसे तीन अंगों के बारे में, यानी कि औरत के यह तीन अंग सामान्य औरत से अगर बड़े होते हैं तो ऐसी औरत शास्त्र के अनुसार बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, और ऐसी औरत के ऊपर माता लक्ष्मी तथा माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा रहता है, और ऐसी औरत ऐसी शुभ होती है कि वो अपने पति को करोड़पति भी बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि वो कौन से तीन अंग हैं, तो जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला जो अंग है वो कौन सा है कि हाथों की उंगलियाँ। शास्त्र का कहना है कि जिस औरत की उंगलियाँ या जिस लड़की की उंगलियाँ सामान्य से थोड़ी लंबी होती है या सामान्य से थोड़ी बड़ी होती है, तो ऐसे लड़कियों में, ऐसे औरतों में सेविंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत अच्छा सेविंग करती है, परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, और बहुत ही कम खर्चे में पूरे परिवार को चला लेती है। ऐसी औरतों की आदत होती है कि ये फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करती। दूसरा अंग है नाक। हमारे शास्त्र के अनुसार जिन औरतों की नाक सामान्य से थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि थोड़ी सी लंबी होती है, तो ऐसी औरतें बुद्धिमान होती हैं। ऐसी औरतों में बच्चों से प्यार करना, अपने बड़ों का आदर करना, ये इनबिल्ट क्वालिटी होती है, और ऐसी औरतें डिसीजन लेने में माहिर होती हैं। ये कोई भी फैसले बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छी तरीके से लेती है। जो तीसरा अंग है वो कौन सा है, वो है औरत के लंबे बाल। दोस्तों, जिन औरतों के बाल लंबे होते हैं या जिन लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, इन पर माता लक्ष्मी का तथा माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव रहता है। ऐसी औरतों में बीमारी कम होती है, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्तियाँ ऐसे लड़कियों में ज़्यादा होती है, ये कम बीमार पड़ते हैं। ऐसी औरतों के घर में सुख शांति समाधान सदैव रहती है। ऐसी औरतें अपने पति को करोड़पति भी बना सकती है। जिन औरतों के बाल लंबे होते हैं, ऐसी औरतों को शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है।